नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। खालदा खालदा पानी लेकर आओ। आप कहां से आ रही मामा? ताबिंदा की तरफ गई थी बेटा, फारिक थी, सोचा उससे जाके मिल लूं। और वो जो उसने रिश्ता बताया था ना तुम्हारे लिए, उसके बारे में भी बात करनी थी मुझे। मामा क्या हो गया आपको? आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मुझे लग रहा था सरसरी जिक्र होगा, दो चार दिन में आप भूल जाएंगे, लेकिन आप तो इतना सीरियस हो गई है मामा। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं? मैं तुम्हें इस घर से निकालना नहीं चाहती बेटा, बल्कि तुम्हारे घर में तुम्हें बसाना चाहती हूँ। लड़कियां जितनी जल्द हो सके ना अपने घर की हो जानी चाहिए, बेटियां जिम्मेदारी होती हैं और ज्यादा देर इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मामा आप क्यों टिपिकल माओ की तरह बात कर रही हैं? ऐसे लग रहा है कि मैं कोई बोझ हूं और आपको मुझे अपने सर से उतारना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, मैं अपनी इस जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी में ही पूरा कर देना चाहती हूँ। ऐसा ही है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। आपको डर है कि कल को भाई की तरह मैं किसी को आपके सर पे लाके खड़ा ना कर दूं और आपको फिर मेरी मर्जी से मेरी शादी करवानी पड़े। हाँ बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि बेटा अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं किसी और ऐसे तमाशे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही मैं मेंटली तैयार हूं ना ही इमोशनली। लेकिन क्यों मामा, जब भाई अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मामा आप एक बात याद रखिए, अगर मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से करूं, वरना नहीं। पागल हो गई बस। हेलो जी जनाब, तुम्हें क्या सोचा आपने? किस बारे में? जो मैंने आपको हल बताया उस बारे में? आपके हल पे मैंने अमल भी शुरू कर दिया। गुड, वेरी गुड। बल्कि अभी मैं बुक्स लेके ही बैठी थी, कुछ बुक्स ले आई थी मैं अपने घर से। मैंने सोचा कल करे सो आज करे सो अब। क्या बात है आपकी, तो इसका मतलब हमारे बीच में जो तल्खी जो नाराजगी थी उस नाराजगी की वजह खत्म हो गई। मैं आपसे नाराज नहीं थी भाई, बस थोड़ी अपसेट थी। आपके इतने सपोर्ट के बाद मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, एक्चुअली वो मेरी मजबूरी थी। पर एनीवे मैं बस अभी थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, हम अच्छी सी कॉफी पियेंगे और बात करेंगे। आप घर आए, कॉफी तैयार है।
चलें घर आ जाएं, ओके नाफिस। मैं कुछ नहीं जानती रेहान, ना तुम्हारी आपी आएंगी, ना वो आके शादी की बात करेंगी और ना हमारी शादी होगी। ऐसी बात नहीं है अनुष, मेरी कल रात को आपस से बात हुई है, उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो तो पाकिस्तान आना चाह रही थी। थोड़ा वक्त लगेगा, पता तो है ससुराल के मसले की भी मजबूरियां हैं। ठीक है तो फिर तुम अपने आपी के ससुराल वालों को देखो, और अगर यहाँ मामा ने मेरी शादी तय कर दी ना एक दफा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई की वजह से वो ऑलरेडी जिद्दी हो गई और वो मेरी बात नहीं सुनेंगी फिर। अनुष इंतजार, बस थोड़ा सा इंतजार। और कितना इंतजार करूं रेहान, कब से मैं वेट कर रही हूं कि तुम्हारी आपी अब आएंगी, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही है। और अगर तुम भाई से बात नहीं कर सकते ना, तो भूल जाओ मुझे। का मतलब अनुष और रेहान, बिजी हो बेटा? अरे मामा आप क्यों, किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं, प्लीज आए बैठें। बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहिए। देखो इब्राहिम, मैं नहीं चाहती जो कुछ तुमने किया है ऐसा ही कुछ अनुषे भी करे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अनुषे की जल्दी से शादी करा दूं, ताकि मैं भी इस फर्ज से फारिग हूं ना। मैंने ऐसा क्या किया मामा? मैंने तो सिर्फ अपना शरई हक इस्तेमाल किया है, और मेरे ख्याल से अनुषे को भी इस बात का पूरा हक होना चाहिए। हरगिज नहीं, अनुषे के बारे में ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, अनुषे मेरी बेटी है और उसकी शादी का फैसला भी मैं ही करूंगा। तुमने तो बेटा होने का फायदा उठाया, अपनी मां को इमोशनल ब्लैकमेल किया, लेकिन अनुषे के मामले में मैं हर किस कमजोर नहीं पड़ूंगी। एनीवेज, ताबिंदा ने अनुषे के लिए एक रिश्ता बताया, मैंने सोचा है कि तुम्हारे पापा से बात करके किसी दिन उन लोगों को खाने पे बुला लूं, ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। क्या हुआ, परेशान क्यों है? आंटी भी गुस्से में लग रही थी। हाँ यार, वो अनुषे की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही। क्या मतलब? उन्हें लगता है कि कहीं अनुषे भी मेरी तरह अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी करने की जिद ना करे, इसलिए वो अपनी पसंद से अनुषे की शादी करवाना चाहती। जबकि मेरा ये मानना है कि अनुषे को अपनी पसंद का पूरा हक हासिल होना चाहिए। कितना इंतजार करूं रेहान,
कब से मैं वेट कर रही हूँ कि तुम्हारी आपी अब आएंगी, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही है। और अगर तुम भाई से बात नहीं कर सकते ना, तो भूल जाओ मुझे। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो कॉफी पिए, ठंडी हो रही है। इब्राहिम, अगर अनुषे वाकई में किसी को, मेरा मतलब है अपनी पसंद के लड़के से अगर वो शादी करना चाहेगी तो आप साथ देंगे उसका? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। यही बात तो मैं मामा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मामा है कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसे पूरा हक हासिल है यार अपनी पसंद से शादी करने का। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ऐसी कोई बात है? वो दरअसल अनुषे रेहान को पसंद करती है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। अगर अनुषे रेहान से शादी करना चाहती है, वो आपका फ्रेंड है, आप उसे अच्छे से जानते हैं। मुझे भी अच्छा लड़का लगता है, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो उनका हक है कि वो अपनी पसंद से शादी करें। इससे पहले भी मैं उन दोनों के बीच इस बात को महसूस कर चुकी हूँ। काफी हद तक मैं ये बात जानता भी हूँ, लेकिन अगर ये बात इतनी ही सीरियस है तो मेरे ख्याल से मुझे रेहान से बात कर लेनी चाहिए। यही बेहतर रहेगा। वैसे भी वो आपका दोस्त है, तो शायद झिझक में वो बात ही ना कर पाए। Why you are always so right? Have you coffee? Thank you. आपकी बीवी नाराज तो बहुत होगी, आपने उसके जेवर जो बेच दिया। अरे मैंने तो लेकर दिए थे, और जरूरत पड़ने पे मेरा हक बनता है कि मैं अपना एसेट बेच सकूं। हाँ ये बात भी ठीक है। अब तो मैं गाड़ी चाहिए थी, और फौरी तौर पर मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैनेज कर सकता। आई मीन पैसे तो हैं, लेकिन वो US में, तो फौरी तौर पर यही करना मुनासिब लगा। और वैसे भी जो मेरी खुशी का ख्याल रखता है, उसकी खुशी के लिए तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। शायद आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, बदल तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं बेबी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही रहूंगा। फिर पता नहीं क्यों शिज़ा मुझे डराती रहती है कि ज़ाहिद तुम्हें छोड़ देगा। शिज़ा कौन? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरी दोस्त। उसी की वजह से तो मेरी आपसे बात हुई और फिर हमारे बीच मोहब्बत हो गई, और उसकी छुट्टी, वो मुझसे बहुत जलती है। अरे ये सब बातें छोड़ो, अनुषे कहाँ है? बुलाओ उसको। मैं गई थी बुलाने, उन्होंने नाश्ते से मना कर दिया और गुस्से से दरवाजा भी बंद कर दिया। ठीक है, अगर उसे नाश्ता नहीं करना है तो ना करे, जब भूख लगेगी तो खुद ही आके खा लेगी। मैं अब किसी की भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। हालदा, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लगा दो। जी। मुझे लगता है आंटी और अनुषे की रिश्ते वाली बात को लेकर कोई बात हुई है, जिस पर अनुषे भी नाराज है और आंटी भी काफी गुस्से में है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। तो इब्राहिम, आपको बात करनी चाहिए उनसे। अनुषे कोई छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, वो अपने अच्छे बुरे का जानती है। वो अगर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं तो उसे भी अपनी मर्जी करने का हक है। बड़ी साइड ले जा रही है नंद की। खैर बात नंद की नहीं है,
बात एक औरत की है, उसे भी अपनी मर्जी का हक है, उसके हकूक हैं, उसकी पसंद नापसंद, उसे भी हक होना चाहिए अपनी पसंद का। वैसे भी रेहान बहुत अच्छा लड़का है, उसमें बुराई क्या है? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मामा को भी रेहान के बारे में नहीं पता, जैसे मैं लाई नहीं था। आई थिंक मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ही हैं जो मामा को कन्विंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई हैव टू टॉक टू बाबा। तुम नाश्ते करो। तुमसे एक बात करनी थी। बोलो क्या कहना चाहते हो? लॉकर से जेवर मैंने निकाले थे। एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तुमसे मांगता तो तुम मना कर देती, इसलिए मैंने सोचा लॉकर से जेवर निकाल के भेज दूं। मेरा इरादा था कि मैं सेम डिजाइन के जेवर बनवाकर वापस लॉकर में रख दूंगा। तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए थे, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम्हें पैसे किस मकसद के लिए चाहिए थे। और रही बात जेवर दोबारा बनाकर लॉकर में रखने की, तो मुझे इस बात की कोई खुशफहमी नहीं, क्योंकि मेरा नुकसान तो हो चुका है, लेकिन ये मेरा आखिरी नुकसान था। इसलिए जो तुम कहना चाहते थे मैंने सुन लिया। उनसे नाश्ता करने दो। मैं तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए कहना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा ताल्लुक बेहतर हो जाए। एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, मैंने सोचा कभी कभार इंसान बात तो कर लेता है ना, लेकिन मैं भूल गया था तुम जैसी औरत से बात करने का कोई फायदा ही नहीं, और मुझे भी तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। जाहिद तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कह क्या रहे हो, तुम तो ताल्लुक के मायने भी नहीं जानते। कल तक तुम जिस बात से इनकार कर रहे थे उसे मानने की कोई ना कोई वजह तो होगी, वरना तुम जैसे बेजमीर इंसान को गलती का एहसास हो जाए, ये मैं नहीं मान सकती। मैं चाहती तो पुलिस में कंप्लेन भी कर सकती थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे कर्मों की सजा तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिलेगी। सजा और जजा का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? और जब तुम्हें अशफाक ने बेसहारा छोड़ा था तो वो मैं ही था, उससे तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें यूएस लेकर गया, आज मेरी वजह से तुम यूएस सिटीजन हो, और आज मैं बेजमीर हो गया। तो मुझे वहां नौकरानी बनाकर लेकर गए थे, घर के कामों के साथ साथ मैं नौकरी भी करती थी, बच्चों के साथ साथ मैं तुम्हें भी पालती थी, तुम्हारा हर तरह का जुल्म सहती थी। और रही बात बेजमीर होने की, शायद कहा तो मैंने आज है, लेकिन एहसास तो मुझे पहले दिन ही हो गया था। बस सीमान क्या बताऊं, मैं अपनी जिंदगी के कुछ मसलों में बहुत ज्यादा उलझ गई। अच्छा ये तो बताओ इस इब्राहिम का क्या हुआ जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की थी? उसकी शादी हो गई। क्या किससे?
थी हमारे साथ पढ़ने वाली एक घटिया लड़की। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उसने इब्राहिम पर। उसने अपनी फैमिली को ब्लैकमेल करके उस लड़की से शादी कर ली, हालांकि उसकी फैमिली वाले बिल्कुल नहीं पसंद करते थे उस लड़की को। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है, अब क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो करूंगी। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। पता नहीं कहां चला गया, सारा कमरा छान मारा मैंने लेकिन मिल ही नहीं रहा। वक्त पड़ने पे ना कभी कोई चीज जो मुझे मिल जाए। अरे क्या हो गया किश्वर, क्या ढूंढ रही है? अम्मा फोन ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहां चला गया। इब्राहिम साहब को कॉल करनी है, अगर अभी नहीं की ना तो बात कल पे चली जाएगी। वो पड़ा सामने। लो बताओ, ये तो हाल है तेरा, सामने रखी चीज तुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा सुन, मैं बाजार जा रही हूँ अपने एक काम से, आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक। किश्वर जल्दी से कॉल कर ले, ठंडी मशीन लगने के दिन आने वाले। वालेकुम सलाम, कैसे हैं किशोर भाभी? इब्राहिम साहब ना पूछे, 104 बुखार है मुझे। 104 बुखार इस मौसम में? खैरियत क्यों, कैसे? गर्मी का बुखार चढ़ गया मुझे तो लग रहा है मेरे दिमाग पे चढ़ गया। ठंडी पट्टियां रख रख के ना मेरे तो हाथ ही टूट गए। तो किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर की बात कर रहे, मैं तो हकीम के पास भी ले जाने वाला कोई नहीं है। इलियास को कहा था, कहने लगा फैक्ट्री जाऊंगा कमा के लाऊंगा तो दवा दारू का बंदोबस्त होगा। आप तो जानते हैं हम दोनों के बारे में, सारे रास्ते पता है आपको। चले आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में कुत्सिया के साथ आता हूँ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, कुत्सिया को कहने की जरूरत नहीं है छोटे साहब, साफ इनकार कर देंगे। दोनों के ताल्लुक के बारे में तो पता है ना आपको। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, I know। बस एक एहसान करते मेरे ऊपर, कोशिश करके ना आप आ जाए किसी तरह। कुत्सिया को नहीं बताइएगा मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। चले आप परेशान ना हो, मैं चक्कर लगाता हूँ। अरे किश्वर अब तुझे इतने रोने रोने है ना छोटे साहब के सामने कि वो ठंडी मशीन लगवा के ही जाए घर से। पापा मैं ठीक हूँ। I'm sorry, तुम्हारी मिस कॉल्स थी, मैं बात नहीं कर पाया। तुम कैसी हो, मिस किया मुझे तुमने? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ आपको, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं नॉर्दर्न एरियाज जाऊँ घूमने के लिए। अकेली? नहीं, रिदा मेरे साथ, बल्कि उसकी पूरी फैमिली है मेरे साथ। हाँ फिर ठीक है, वरना मुझे फिक्र रहती। चलो खैर से जाओ और खैर से आओ और खूब एंजॉय करो, लेकिन एहतियात से। जी पापा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब बीबी, ये मेरा बैग गाड़ी में रखवा दें, और कमरे में बेड पे कुछ पैक करके और सामान रखा हुआ है वो भी गाड़ी में रखवा दें। आप कहीं जा रही हैं? हाँ घूमने जा रही हूँ नॉर्दर्न एरियाज, पापा को बता दिया है मैंने। ठीक है। जी भाभी बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो आप कुत्सिया के सामने नहीं करना चाह रहे? बात दरअसल ये है छोटे साहब के गर्मी गर्मी देखे ना कितनी बढ़ गई है आजकल। जाहिर है अब गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी, लेकिन ये मौसम जहाँ इतनी गर्मी लेकर आता है वहीं
इतने रंग भरे फूल, इतने मजे के फल जो सिर्फ गर्मी के मौसम में मिलते हैं, नहीं? छोटे साहब, हम गरीबों के लिए ये गर्मी का मौसम रंगों की जगह अंधेरे लेकर आता है और मौसमी फलों की जगह सिर्फ प्यास। क्या मतलब? मतलब ये कि जब बत्ती चली जाती है ना तो गर्मी में दम घुटना शुरू हो जाता है और रही सही कसर ये मच्छर खून पी पी के निकाल देते हैं। हम गरीबों के लिए सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता इस मौसम में, ठंडा पानी तक नहीं होता। कहने को फ्रिज है हमारे पास पर खराब पड़ा है। अब ये देखे ना, डेकोर करने के लिए खौलता हुआ पानी लिए बैठी, दिल की तसली के लिए रखा हुआ है। और ये जो छत पे पंखा लगा नजर आ रहा है ना आपको, इसकी पंखड़ियां सिर्फ चक्कर खाती रहती हैं। हराम है जो एक पत्ता तक हिल जाए। छोटे साहब, मैं तो बस उस दिन से डरती हूँ छोटे साहब कि किसी दिन लाडो और आप हमारे घर रुकने आ गए, ना हमारे पास कमरा ठंडा करने की मशीन है ना ही पानी ठंडा करने की। आप तो इतने अमीर हैं, आपको तो पंखे की हवा की आदत भी नहीं होगी ना। तो आप ये सारा सामान खरीद क्यों नहीं लेते? ऐसा सामान? छोटे साहब, क्यों गरीबों के साथ मजाक करते? अरे हमारे पास तो बर्फ तक लाने के पैसे नहीं होते कि पानी ठंडा करके पी ले, और आप नए सामान की बात कर रहे हैं। आप पैसों की फिक्र ना करें, आपको घर की जरूरत के लिए जो भी चीजें चाहिए आप ले लें। आप ऐसे करें ना, एक नया फ्रिज, नया एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव भी ले लें। बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि खुद उन्हें कॉल कर लेता हूँ, आप बस जाकर ये सामान ले लें। चलें, फिलहाल तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये टेकोर से ठीक हो जाऊँगी। सच पूछे तो नए सामान की खुशी में आधा बुखार तो रफू चक्कर हो गया मेरा। चले मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमेशा अल्लाह ही हाफिज़ रहे छोटे साहब तुम्हारा। अरे ताकि तुम इसी तरह हम गरीबों पे मेहरबानियां करते रहो। चल भाई किश्वर, तेरे भाग जाग गए। तूने जब मुझे अनुचे से नंबर लेने के बारे में बताया था तब क्यों नहीं बताई सारी बात? यार मैं डर गया था कि कहीं तू भड़क ना जाए, और वैसे भी उस वक्त मैं फैसला लेने की पोजीशन में नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी। आई होप टू अंडरस्टैंड। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसे फैसले वैसे भी सोच समझ के लेने चाहिए, सारी जिंदगी का सवाल। Tell me one thing. Are you sure you're serious about Anusha? तुझे शक है मुझ पे? मुझे तुझ पे शक नहीं। हाँ लेकिन मैं अनुष को अच्छी तरह से जानता हूँ। काफी शॉर्ट टेम्पर है, काफी गुस्से वाली है। I mean, will you be able to handle her? तू अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है, पता है ना? देख अनुष मेरी बहन है और तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग जज्बात में आकर या जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा फैसला करो कि सारी जिंदगी पछताते। That's why I'm asking. अनुष के गुस्से को मैं अच्छी तरह जान गया। I can handle it. And for your kind information, अनुष को मैंने ही कुछ से के लिए राजी किया था, और ये भी कि वो आंटी को जाके बनाए शादी की। वाजी वाह, क्या बात है। फिर तो इसका मतलब आशु फील्स के और बारिश की शी इज इन सेफ हैंड्स। हां ऑफ कोर्स। आज बाबा से बात। चल कॉफी पिला यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। खाना ना खिला दीजिए। वो भी खिला दे। ओ सुन, मिठाई भी बोल दे। पारू, आए
क्या तुम? हाय कत्सिया। आंटी घर पर नहीं है। पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो भी सूटकेस के साथ? तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुमसे ऐसा सवाल करूं। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूं ना, तो तुम्हारे चेहरे पर ये मुझे देखकर नागवारी ना। तुम मुझसे नहीं पूछना चाहती तो चलो मैं बता देती हूं। मैं यहाँ रहने आई हूं इस घर में तुम्हारे और इब्राहिम के साथ और तुम सब के साथ। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी मुश्किल बात कही है तुम कि तुम्हें समझ में ना। बहुत ही सिंपल सी बात बोली है मैंने। मैं यहाँ रहने आई हूँ कुत्सिया, तुम्हारे साथ और इब्राहिम के साथ, ताकि तुम्हारे और इब्राहिम के साथ कुछ वक्त गुजार सको और तुम दोनों के ज्यादा करीब रहकर दिल की बातें कर सको, और फिर हम दोनों में जो दूरियां थी उनको दूर करना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्यों रहोगी इस घर में और किस हैसियत से रहोगी? ये बात तो तुम्हें राबी आंटी ही बताएं, उनसे पूछना। और जहां तक मैं जानती हूं तो मैं यहां पर ही मेहमान की हैसियत से रहूं, जैसे तुम यहां रह रहे हो एक मेहमान की हैसियत से। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। मैं इस घर की बहू और मैं इस घर की होने वाली बहू थी, जो तुम्हारी वजह से आज इस घर से बाहर है और तुम इस घर के अंदर। और देखना कुछ, वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि तुम अनाया की जगह खड़ी होगी और अनाया तुम्हारी जगह खड़ी होगी। ये तो वक्त बताएगा। चलो देखते हैं। आते ही इस कुत्सिया से पाला पड़ गया, पूरा दिन खराब गुजरेगा मेरा। नायला तो बिल्कुल बेलगाम होती जा रही है। पहले तो मैं उसे मार भी लेता था और वो उफ तक नहीं करती थी। सारे पैसे मुझे लाकर देती थी। अब तो शायद वो ऐसा नहीं करेगी। अब तो वो मुझसे बात करना घबरा नहीं करती। अगर सब इसी तरह रहा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे उसे वापस यूएस लेकर जाना पड़ेगा, अशफाक से दूर। I'm so sorry आंटी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसे बेटा? बेटियों के घर आने से तकलीफ थोड़ी होती है। आंटी दरअसल घर में कुछ दिन पहले कुछ चोर घुस आए थे। क्या? तो अनाया तुमने उसी वक्त फोन करके क्यों नहीं बताया मुझे? आंटी मैंने इसलिए फोन नहीं किया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए मेरे फोन से। मैं बहुत डर गई थी आंटी, पापा भी घर पे नहीं थे। मैंने उनको फोन किया लेकिन उन्होंने पिक नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। नाया बेटा
रिलैक्स में डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? तुम इसे भी अपना ही घर समझो। बेटा मैं भी तुम्हारी माँ की जैसी हूँ और मैंने तो पहले दिन से तुम्हें अपनी बेटी माना है। जानती हूँ आंटी, मुझे भी आपसे मिलकर हमेशा माँ का एहसास हुआ। बस इसीलिए तो बिना कुछ सोचे समझे मैं आपके पास यहाँ चली आई। आंटी मेरा यहाँ कोई नहीं है, सब आउट ऑफ कंट्री है, इसीलिए मैंने पापा को भी कुछ नहीं बताया वरना वो बहुत परेशान हो जाते मेरे लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आंटी, पर मेरी वजह से आई होप आप लोगों को कोई परेशानी या कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं बेटा, तकलीफ कैसी, और फिर मैंने खुद ही तो कहा था कि तुम यहाँ आके रहो। लेकिन आंटी इब्राहिम नाराज तो नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही कुछिया की वजह से मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। बेटा तुम इब्राहिम की फिक्र मत करो और आराम से इस घर में रहो, एंजॉय करो। बेगम साहबा, अनाया बीबी का कमरा तैयार हो गया। ठीक है, अनुषे को भेजो मेरे पास। जी। अब रिलैक्स हो जाओ बेटा। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पे।